Hello friends and welcome to my channel. So today we are going to discuss about BIFR, that is Board of Industrial and Financial Reconstruction. ये एक board है जो industries को क्या provide करता है, financial support provide करता है. BIFR आपकी एक statutory body है क्योंकि ये act के अंदर एक बनी है. इसका कौन सा act है? SICA Industrial Companies Act 1985, SICA भी इसे बोला जाता है. ये जनवरी 1987 में आपकी सेटअप हुई थी. तो इसके बारे में चलिए और जानते हैं. ये किसका हिस्सा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि SICA इंडस्ट्री जो भी इंडिया में है उसको फाइंड आउट करना और उसके लिए स्टेप्स लेना कि वो फिर से जो SICA थी और फिर से वो हेल्दी इंडस्ट्री बन जाए और फिर से उसकी जो हेल्थ है वो सही हो जाए, वो ग्रो करने लग जाए. ऑन 1 दिसंबर 2016 BIFR कम्स टू एन एंड. तो जैसे किसी पर्सन का बर्थ होता है, उसकी डेथ होती है, वैसे BIFR आई अंडर SICA एक्ट, देन इसका एंड हो गया ऑन 1 दिसंबर 2016. और इसने अपने फिर पावर वगैरह किसको दे दी एंड होने के समय? NCLT को दे दी और NCLAT को दे दी. NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल. ये दोनों कहाँ आते हैं? ये प्रोविजन ऑफ IBC के अंडर ये दोनों आते हैं, NCLT और NCLAT, दैट इज प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. होप आपको BIFR के बारे में समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है तो आस्क मी द कमेंट सेक्शन. टिल देन, बाय बाय.